रविवार का दिन हो और सप्तमी तिथि का योग होता हो, माने उस दिन तिथि सप्तमी हो, उस दिन अगर कोई नमक मिर्च बिना का भोजन करे और सूर्य भगवान की पूजा करे, सूर्य को तिल के तेल का दिया जलाकर दिखाए, उस दिए से आरती करे, तो घातक बीमारियां उस आदमी की दूर हो सकती है। समझो वो व्यक्ति न कर सकता हो, इतना बीमार हो, तो आप उसके लिए करो। आप उस दिन नमक मिर्च बिना का भोजन करो और उसके हाथ से तिल के तेल का दिया जलवाकर सूर्य भगवान को दिखाओ, सूर्य को अर्घ्य दो। और लोटे में उस दिन अर्घ्य दें तो लोटे में थोड़े चावल, शक्कर या गुड़, लाल फूल मिल जाए तो वो, नहीं तो लाल कुमकुम, उससे सूर्य भगवान को अर्घ्य दें। और उस समय बोले, मैं बुलवाता हूं, ऐसा बोले, जपा कुसुम संकाशम काश्यपेयम महाद्युतिम तमोरिम सर्वपापघ्नम प्रणतोस्मि दिवाकरम। रविवार और सप्तमी तिथि का योग 4 जुलाई को है। दूसरा योग है 15 अगस्त को। 4 जुलाई, 15 अगस्त। तीसरा योग है 28 नवंबर को। चौथा 12 दिसंबर को। घातक बीमारियां दूर की जा सकती है अगर उन दिनों में खूब श्रद्धा और लगन से कोई ये व्रत पाले। बिल्कुल भूखा रहने को मैं नहीं कह रहा हूं, नमक बिना का भोजन करें। सूर्यनारायण को अर्घ्य दे मंत्र बोलकर। आश्रम की बाल संस्कार नाम की पुस्तक में वो मंत्र लिखे हुए हैं सब, सूर्य को जल देते समय जो बोले जाते। तो रविवार और सप्तमी का योग, और जो बीमार रहता हो उसको रात को दक्षिण दिशा में सिर करके सुलाया जाए। रविवार और सप्तमी के योग में ये नियम करने से शरीर का रोग मिट सकता है, परंतु रोज गुरु मंत्र का जप करने से और रोज थोड़ी देर सत्संग सुनने से जन्म मरण का रोग मिट सकता है। सबसे बड़ा रोग तो वही है, जन्मों मरो, जन्मों मरो, जन्मों मरो, यही खत्म हो जाए।